मध्य प्रदेश पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। चिटफंड घोटाले के 3 आरोपियों को मध्य प्रदेश पुलिस ने किया है गिरफ्तार। 5 साल में दुगने पैसे करने के नाम पर ठगी करते थे आरोपी। श्री स्वामी विवेकानंद मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव को कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से चलाते थे संस्था। संस्था के कर्ता धर्ताओं में से 3 लोगों के लिए किया गया है गिरफ्तार। आरोपियों के लिए रिमांड पर भेजने के बाद जब पूछताछ हुई तो 14 लोगों के नाम और आए सामने। नाम आने के बाद 14 आरोपी फरार, पुलिस लगी हुई है जांच में। श्री स्वामी विवेकानंद मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव को कोऑपरेटिव सोसाइटी की 4 शाखाएं भोपाल शहर के अंदर। भोपाल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 ही शाखाओं को किया सीज और करोड़ों के कागज रुपए नकदी की बरामद। 4 शाखाओं के नाम इस प्रकार हैं: आनंद नगर करौंद शाखा, अशोका गार्डन बैरागढ़ शाखा। मध्य प्रदेश पुलिस की माने तो श्री स्वामी विवेकानंद मल्टी स्टेट को कोऑपरेटिव सोसाइटी की शाखाएं कई और जिलों में, भोपाल से सटे हुए 7 जिलों में बड़ा कारोबार सोसाइटी का ठगी करने का तरीका। आरोपियों ने स्वामी विवेकानंद मल्टी स्टेट और कोऑपरेटिव सोसाइटी के कृषि विभाग नई दिल्ली भारत सरकार से रजिस्ट्रेशन कराकर मध्य प्रदेश में निवेश करने के लिए 2016 में अनुमति प्राप्त की थी। मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित सुकन्या बचत योजना, आयुष्मान पेंशन प्लान जैसे मिलने जुलने वाले नामों की स्कीम चलाकर आम जनता को भ्रमक कर प्रलोभन देकर करते थे ठगी। भोपाल पुलिस थाना पिपलानी ने मध्य प्रदेश के कर्ता धर्ता विनोद तिवारी, अंगद कुशवाहा और 4 कार, 1,36,77,000 रुपए नकदी व करोड़ों के कागजात बरामद कर कार्रवाई की है। तो वहीं एक और आरोपी जो भागने की फिराक में था उसको भी पुलिस ने धर दबोचा। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा एक विशेष टीम बनाई गई है जो 7 राज्यों में फैले इनके सिंडिकेट की जांच करेगी और कार्रवाई करेगी। इसी के बीच एक बड़ी कार्रवाई और होती हुई नजर आई है। मध्य प्रदेश के इंदौर में संचालित विवेकानंद को कोऑपरेटिव सोसाइटी की 2 शाखाओं को और सीज किया गया है उनके कागजातों के साथ। तो श्री स्वामी विवेकानंद मल्टी स्टेट और कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर मध्य प्रदेश पुलिस की कार्रवाई लगातार देखने को मिल रही है और आज 2 शाखाओं को और सीज किया गया। इस प्रकार से 6 शाखाओं को सीज कर दिया गया है मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा। तो वहीं अभी भी मुख्य आरोपी रवि शंकर तिवारी फरार नजर आ रहे हैं और पुलिस उनको ढूंढने में लगी हुई है। रवि शंकर तिवारी, विनोद तिवारी, इन दोनों के तार ललितपुर से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं और ललितपुर में कई काम इन्होंने वहां पर किए हैं। वहां पर भी चिटफंड कंपनी में इन्होंने काम किया है। रवि शंकर तिवारी के साथ अन्य और 14 जो आरोपी हैं उनकी भी तलाश की जा रही है। उनके तार भी ललितपुर से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। रवि शंकर तिवारी द्वारा एडवांटेज में काम किया गया है, ऑप्शन 1 में काम किया गया और उसके बाद और एक नई सोसाइटी में काम करती हुई नजर आए हैं। अब इन्वेस्टरों का पैसा फंसता हुआ नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में भी श्री स्वामी विवेकानंद ओ कोऑपरेटिव मल्टी स्टेट ओ कोऑपरेटिव सोसाइटी की शाखाएं खुली हुई हैं जिन पर बहुत जल्द कार्रवाई हो सकती है। मध्य प्रदेश पुलिस पूरी सक्रियता के साथ इनकी छानबीन में लगी हुई है और कार्रवाई निरंतर कर रही है। देखने वाली बात यह होगी कि मुख्य सरगना कब पकड़े जाते हैं, मुख्य आरोपी कब पकड़े जाते हैं और जो लाखों लोगों के करोड़ों रुपए फंसे हुए हैं वो कैसे लोगों तक वापस पहुँचते हैं।